सुनो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है फिर से। एंड एज यू नो दैट माय नेम इज तबस्सुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लाइव क्लास। और यहाँ पर गाइस हम बात करेंगे इंग्लिश के जो है क्वेश्चन पेपर की। तो पूरा का पूरा सॉल्व क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सभी के पास मेरी वॉइस जो है आ रही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी वॉइस आप सभी के पास क्लियर पहुंच रही है या नहीं। और सेशन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों के पास, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी सुने, मतलब वो भी जो है फ़ायदा उठाएं। तो इंग्लिश का पेपर है जैसे कि आप लोगों का 29th जो है हमारा नवंबर को, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे आपका पूरा का पूरा पेपर का सोल्यूशन। हाँ जी, वॉइस क्लियर है? यस 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 मैन, ऑडिबल, ओके ओके। सो चलिए लेट्स बिगिन द यू नो सेशन। तो देखो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। आपका क्वेश्चन पेपर है कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, आंसर्स भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और कोशिश करेंगे कि आज की ही वीडियो में हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लें। तो एज यू नो दैट आपका इंग्लिश का जो पेपर होता है लैंग्वेज पेपर है, इसमें कोई प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, और ये पूरा आपका 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। चलो बाकी सेशन को शेयर कर देना, और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पिछली वीडियो में, मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो है, आपने आई होप के फिजिक्स की क्लास को अटेंड किया होगा। चलो चलो देखते हैं अभी हम लोग। देखो आपका जो है पेपर शुरू होता है आपके सेक्शन ए से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ। आपका जो है पेपर टू सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शन ए आप सभी का कंपलसरी है, जो आपको जितने भी क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर आते हैं उनको अटेम्प्ट करना ही होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में आपके टू ऑप्शंस हैं, आपको केवल एक ही ऑप्शन को अटेम्प्ट करना है और उसी के जो है आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, अभी 20 प्लस स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई जब तक आप बने हुए हैं। तो जो आपका सेक्शन ए है उसमें जो है जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो हम लोग देखेंगे विद आंसर्स। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो आपका इंग्लिश का पेपर बनता है तो वो 3 सेट्स में बनता है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। इसमें क्या होता है, जिन बच्चों के पास सेट ए पहुंचता है क्वेश्चन सही रहते हैं, बट वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। मतलब हो सकता है सेट ए वाले क्वेश्चंस आप लोगों के सेट बी के अंदर तीसरे नंबर पर मिले, चौथे नंबर पर मिले, क्वेश्चंस आपके वही रहते हैं, आगे पीछे आपके हो जाते हैं। तो देख लेते हैं हमारा जो सेक्शन ए है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आपका उसमें पूछा जाता है ये पैसेज वाला, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट्स हम इसको बोलते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, एक्सट्रैक्ट का मतलब पैसेज ही होता है। और अच्छी बात यह है, ये आपका ना 4 मार्क्स का पूछा जाता है, 4 मार्क्स का आपका ये सीन पैसेज होता है। सीन पैसेज का मतलब देखा हुआ पैसेज, दैट मीन्स आपकी बुक का ये पैसेज आता है। तो वो सॉल्व हम अभी करके देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको टॉप पर रखने हैं इस सीन पैसेज के लिए, और यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कहीं भी कोई डाउट आए तो मुझे कॉमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपका क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कि आपको जो नीचे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके क्वेश्चन के आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल आपका जो है ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी करके ना आपको दो देंगे, ए एंड बी, और बीच में लगा देंगे और का मतलब या तो आप ए कर लो या फिर बी कर लो। तो पहले हम ए को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपका बी भी यहाँ पर बताने वाली हूँ। चलो तो देख लेते हैं, राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई वॉन्टेड टू बिकम अ बैट्समैन एंड आई हेटेड लूजिंग माई विकेट। तो शुरू से ही मुझे एक बैट्समैन बनने का शौक था और मुझे अपना विकेट लूज करना अच्छा नहीं लगता था। दिस बिकेम सच एन ऑब्जेशन विद मी दैट इफ द रेस्ट ऑफ द बॉयज एवर गॉट मी आउट आई वुड फाइट एंड इवेंचुअली बॉल यू नो वॉक, ये बॉल नहीं आपका वॉक है आपका, ये वॉक होम विद द बैट एंड द बॉल। और ऐसा होता था कि मुझे इतना ऑब्जेशन था एक बैट्समैन बनने का कि अगर मैं अपने विकेट लूज कर देता था तो मैं दूसरे लड़कों से फाइट करता था और जो है उनसे लड़ झगड़ के अपने घर चला जाता था, ठीक है। अब देखो इस पैसेज को, मतलब इस एक्स्ट्रा को पढ़ने के बाद आप एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं ये आपका कौन सा चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये आपका जो चैप्टर है वो है माय फर्स्ट स्टेप्स, दैट मीन्स आपकी बुक का पहला ही ये चैप्टर है माय फर्स्ट स्टेप्स। जिसने चैप्टर पढ़ा है
फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएं किस किस को ये चैप्टर क्लियर है, क्योंकि यहाँ से आप 90% समझ लो कि आपका ये एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ये जो एक्स्ट्रा है आपका, वो पूछ ही लिया जाता है, चाहे आप अप्रैल के बच्चे हो या अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स हो। तो सुनील गावस्कर जो है एक महान क्रिकेटर जो है, उनके बारे में ये एक मतलब लेसन है, उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया। चलो वो तो हम देख लेंगे। बाकी इस तरीके से आपका कोई भी पैराग्राफ पूछ लिया जाता है, एक्स्ट्रा जिसको हम बोलते हैं, आपकी बुक का ही होता है, सीन होता है देखा हुआ, ठीक है। अगर आपने चैप्टर को केयरफुली पढ़ रखा है तो आप देखते ही आइडिया लगा लेते हैं कि भी हाँ ये तो हमारी बुक का है। अब इसके बेसिस पर मैं यहाँ पर आपको गाइस दिखा देती हूँ आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये रहा, इसको आप पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 4 नंबर का आपका ये पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, और पैसेज करने का सिंपल तरीका है कि आप अगर जो है पहला क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं मतलब, तो फर्स्ट लाइन में ही चले जाइए अपने पैसेज की। व्हाट डिड द राइटर वांट टू बिकम, ठीक है। तो राइटर क्या बनना चाहते थे, व्हाट इज दैट ही कुड नॉट बियर, और क्या वो चीज थी जो वो सहन नहीं कर पाते थे। तो सिंपल सी बात है, आपने पैसेज पढ़ा, आपको आइडिया लग गया होगा कि उन्होंने बोला था कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई वॉन्टेड टू बिकम। तो आई का यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ही, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, राइटर की, जिन्होंने इसको लिखा है। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही वॉन्टेड टू बिकम अ बैट्समैन, और उनको किस चीज क्या अच्छी नहीं लगती थी। एंड आई का आप क्या कर देंगे, ही hated losing his wickets, के उनको अपने wickets lose करना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। तो you can see clearly कि आपका जो first question है वो आपको पहली से दूसरी line में ही मिल गया है उसका answer। चलिए let's move on to the question number 2, जो कि है आपका what would the writer do when he was declared out, के writer क्या क्या करते थे जब उनको out घोषित कर दिया जाता था। How would the game be affected, इस तरीके से game किस तरीके से affect हुआ करता था, एक number का question है। तो देखो ये जो आपका extra का आता है, इसमें से आपके 1-1 mark के 4 questions आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर तो वैसे नीचे भी है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं, चलो मैं नीचे आपको दिखा देती हूँ कि द राइटर बिगिन टू फाइट एंड इवेंचुअली, कि राइटर जो है ना लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते थे अपने फ्रेंड से जब उनको ना मतलब है ना हारा हुआ घोषित कर देते थे लोग कि भाई तुम हार गए हो, तो वो अपने ना फ्रेंड से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते और अपने घर चले जाते थे अपने बैट और बॉल लेकर, और उसके बाद ये जो गेम था इस तरीके से बुरी तरीके से अंत हो जाता था इस गेम का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन भी देख लिया है, अभी हम लोग देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन हुआ करता था। तो एक बार और चलो पैसेज दिखा देती हूँ मैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया है कि यहाँ तक आपके आंसर्स आपके पैसेज के मतलब मिल गए हैं सेकंड जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है कि रिएक्शन क्या हुआ करता था उनके फ्रेंड्स का। तो हम देख लेते हैं, Nobody else would the boys cursed and call me names. तो जो लड़के थे जो है ना वो ऐसा रिएक्ट करते थे कि उनको कोसते थे और उनको जो है नाम ले लेकर चिढ़ाते थे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ तक हो गया है, ठीक है। अभी देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये क्वेश्चन ना डायरेक्टली पैराग्राफ में से ऐसा नहीं है कि आप लाइन टू लाइन इसका आंसर कर देंगे। बाकी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, विच वर्ड्स इन द एक्स्ट्रा आर सिमिलर, ये सिमिलर वर्ड वाले ना आपको बड़े ध्यान से करने पड़ते हैं, क्योंकि एक नंबर दे जाते हैं या फिर आपका ले जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना स्पेशली सीन पैसेज के अंदर, मतलब एक्स्ट्रा के अंदर फोर्थ क्वेश्चन, इसके अंदर बेसिकली क्या पूछते हैं कि भाई आपको जो है एक लाइन दे दी और उसका बताओ कि सिमिलर वर्ड क्या है। अब देखो ये 2 पॉइंट हैं, आधे आधा नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है। A state in which a person's mind is completely filled with the thoughts of one particular thing only. कि एक माइंड की ऐसी स्टेट जहाँ पर किसी भी इंसान का जो है माइंड बिल्कुल फिल हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर थॉट को लेकर। तो कोई एक वर्ड होगा, कोई वन वर्ड होगा इस पूरी लाइन को जो टोटली डिस्क्राइब कर देगा। तो वो वन वर्ड जो है मतलब एक ही शब्द या 2 शब्द मुश्किल से, वो आपको पैसेज के अंदर ढूंढने हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड ऑफन अनप्लीजेंट, ठीक है। तो इसका भी कोई वर्ड होगा जो कि अभी हम देखते हैं। तो फटाफट से हम इसके आंसर्स आपको दिखा देती हूँ, तो देख लीजिए रहा। चलिए बाकी गाइज यहाँ पर मैं बात करूँ, ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है पीडीएफ है वो आप हमारे ऐप पर से जाकर के ले सकते हो, मतलब आप इसके अलावा हमारे टेलीग्राम पर भी हम इसको शेयर कर देंगे इस क्लास के ओवर होने के बाद। तो पहले आप समझ लो और उसके बाद टेलीग्राम पर से इसको जो है आप देख सकते हो। फिलहाल अभी नहीं मिलेगा, मतलब क्लास खत्म होने के बाद ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। तो ये रहे हमारे 2 वर्ड, पहला वर्ड है हमारा ऑब्जेक्शन जो कि इस पैसेज में यूज हुआ है, और दूसरा है एब्रप्ट, ये भी हमारा पैसेज में यूज हुआ है जो कि इन दोनों ही लाइन्स को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 नंबर हमें बड़ा इजीली मिल जाते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान से आप इनको पढ़ लेते हो अपने चैप्टर्स को। तो चैप्टर पढ़ने सभी के लिए बहुत जरूरी है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन जाननी बहुत जरूरी है।
डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं अपने दूसरे चैनल पर आपकी करा रही हूँ, हर एक चैप्टर की एक एक वर्ड की मीनिंग बिल्कुल लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। तो मेरे दूसरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो आई होप मुझे आप वहाँ पर ज़रूर सपोर्ट करेंगे और अपना इंग्लिश का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे बिल्कुल डिटेल वे में, हर एक चैप्टर की यू नो एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम से काफी दिन पहले इस वीडियो को देख रहा है तो आप डिटेल में अपना सिलेबस वहां से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलो देख लेते हैं अभी। तो 50 प्लस स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पहले आप कोई डाउट अगर आपका आ रहा है तो वो बताओ, देन हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो बताइए अगर कोई भी आपका डाउट हो तो हम कुछ सेकंड्स के लिए भी रुक जाते हैं यहाँ पर। तो जल्दी जल्दी बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है मतलब सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर देना, कंजूसी कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा लाइक करने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों के साथ भी ताकि उनकी भी हेल्प हो, और हमारे पाई परिवार के सदस्य बन जाइए फटाफट। तो देख लेती हूँ मैं क्या कह रहे हैं आप। मैम ज़रूरी है कि पहले क्वेश्चन से ही पेपर स्टार्ट करना है? नहीं, ये कंपलसरी नहीं है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से ही पेपर शुरू करो। अगर पहला क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप करके, लेकिन हाँ क्वेश्चन आंसर का नेम ज़रूर आपको लिखना है, और अगर उस क्वेश्चन के भी कई पार्ट हैं मतलब ए है बी है सी है तो बिल्कुल आपको उसको लिखना ज़रूर है। ब्लैक पेन से आप उसको लिख दीजिए कि भाई आंसर नंबर 1 का ए हम कर रहे हैं या फिर आंसर नंबर 2 का बी हम लोग कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले आप पहला ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, जो आपको ज़्यादा अच्छा आता है पहले आपको वो करना है। चलिए, और कोई अगर आपका डाउट हो तो आप बता सकते हैं। पैसे सॉल्व करके ही बता रहे हैं हम, वर्ल्ड जीके एंड फैक्ट्स पैसे सॉल्व करके ही बता रहे हैं आसानी से आपको। चलो, और कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो। हाँ जी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, 30 को पेपर है, 10th वाला स्टूडेंट है कोई गुफरान खान। बेटा डोंट वरी, सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे अभी आपके एग्जाम शुरू होने से 2-4 दिन पहले ही। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर लेना, बाकी दोबारा से मैं उनको ग्रुप वगैरह में शेयर करवा दूंगी। तो वो क्वेश्चंस मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे, तो अब टेंशन नहीं लेनी आपको, आप सर्च कर लेना चैनल पर जाकर। चलिए, और कोई डाउट? सेक्शन चेंज करने पर पेज न्यू चालू करना है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब सेक्शन चेंज कर रहे हो तो नीचे से ही बस थोड़ी सी हेडिंग डाल दो आप लोग, और जब सेक्शन चेंज करो तो बस ऐसे लिख देना, पेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोई डाउट होगा तो अभी कुछ सेकेंड्स बाद अभी हम देखते हैं, रुक के मतलब कुछ मिनट्स बाद। सॉरी। तो देखो, नेक्स्ट हमारा जो है ऑप्शन में फिर से आ गया है ये एक और करके, ठीक है। तो और करके हमें दूसरा भी दिया जाता है, एक और 4 नंबर का ही पैसेज। और पहली बार एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आपके 2 पार्ट हैं। ए के अंदर 2 ऑप्शन है, उसमें से आपको कोई एक एक्सट्रैक्ट करना है। इसी तरीके से एक बी भी है, बी के अंदर भी आपके 2 एक्स्ट्रैक्ट हैं, उनमें से कोई एक करना है। तो टोटल ना आपका ये 8 मार्क्स का हो जाएगा पहला ही क्वेश्चन, मतलब जो ये आपका एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, और में भी आपका एक और दिया गया है। तो देखिए, ये रहा ये जो चैप्टर है, पापा माई ग्रैंड फादर स्पीक्स ऑफ अ केयर फ्री एंड ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। तो पापा मेरे जो ग्रैंड फादर हैं, मतलब वो जो है बताते हैं कि बहुत ही लाइफ उनकी ब्यूटीफुल थी, केयर फ्री थी। ऑफ डेज स्पेंट इन प्लकिंग मैंगोज एंड गवर्स फ्रॉम देयर ऑर्चर्ड्स, ऑफ यू नो पिकनिक्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर वेयर द मैन कुक्ड यू नो माउथ वॉशिंग फूड ऑफ प्लेइंग मार्बल्स एंड गिली डंडा। तो ये एक बच्चा है जिसका नाम है राहुल, और ये चैप्टर जो है आपका वो है फादर डियर फादर, ठीक है। आई थिंक लेसन नंबर 5 है आपका है, फादर डियर फादर। इस लेसन के अंदर जो है ये समझ लो कि ये वाला जो एक्स्ट्रैक्ट है, ये वाला जो लेसन है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 99% बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रैक्ट के हिसाब से। यहाँ से आपका एक एक्स्ट्रैक्ट पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि पापा जो ग्रैंडफादर थे बहुत ही केयरफ्री लाइफ के बारे में बात करते थे, क्योंकि वो अपना बचपन आम तोड़ने में निकालते थे, वो जो है अमरूद तोड़ा करते थे अपने बगीचों से, ठीक है। और जो है वो
बैंक के किनारे बैठ करके वहाँ पर जो है एक मुंह में पानी ला देने वाला जो है खाना पकाया करते थे, और प्लेइंग मार्बल्स एंड गिल्ली डंडा, कंचे और गिल्ली डंडा खेला करते थे। फ्रॉम हिज टॉक और उनकी बातों से ऐसा लगता है स्टडीज एक जो है एंड क्लियरली सब्जेक्ट है, एंड लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग जो एक मेजर सब्जेक्ट है, जिंदगी को जीना और एक्सपीरियंस करना ज्यादा मैटर करता है अकॉर्डिंग टू ग्रैंडफादर। तो ये जो आपका ना पूरा एक्स्ट्रक्ट है ना, ये फादर या फादर लेसन से लिया गया है, और इसको भी आपको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी इसके ना क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द राइटर ग्रैंड फादर लीड व्हेन ही वाज अ स्मॉल बॉय। ये पहला क्वेश्चन है कि दादाजी किस तरीके की लाइफ को जिया करते थे जब वो एक छोटे बच्चे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, मेंशन ओनली टू ऑफ द चाइल्डहुड मेमोरीज दैट द राइटर्स ग्रैंडफादर ऑफन शेयर्ड विद मी। के दो ऐसी चाइल्डहुड की मेमोरीज शेयर करिए जो उनके फादर जो है मतलब जिया करते थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको कहाँ से क्वेश्चन है। तो वही है पहला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं पहले का आंसर तो स्टार्टिंग में मिल जाएगा कि राइटर के जो ग्रैंडफादर थे वो एक केयर फ्री लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो एक ही लाइन में ब्यूटीफुल और केयर फ्री चिल्ड्रन के बारे में, ये रहा पहला क्वेश्चन, आपको मिल गया आंसर नीचे है वैसे इसका। दूसरा है मेंशन टू ओनली टू ऑफ द चाइल्डहुड मेमोरीज, कौन सी दो ऐसी चाइल्डहुड मेमोरीज आप बताइए मेंशन करिए जिसके बारे में दादाजी बात करते हैं। तो दो चाइल्डहुड मेमोरीज तो हैं, आप बता सकते हो कि वो लोग जो है मैंगोस पिक किया करते थे, ग्वावास पिक किया करते थे अपने और चार्ट से। इस तरीके से यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन का आंसर भी हो गया है, ठीक है। तो प्लकिंग मैंगो यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसके सेकंड क्वेश्चन को कंसिडर कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, कॉट एक्स्ट्रक्ट वर्ड्स विच टेल दैट स्टडीज वर नॉट द मेन फोकस इन द राइटर्स ग्रैंडफादर्स डे। तो वो वर्ड आपको बताने हैं जो आपको पता चलता है जिनसे कि स्टडीज दादाजी के टाइम में इतना मैटर नहीं करती थी, अपना जिंदगी जियो और एक्सपीरियंस करो। काश ऐसा ही होता है ना, मज़ा आ जाता कि पढ़ना लिखना कुछ नहीं है। वैसे पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी होता है, कि जैसे हमारे दादा नाना आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड किया करते थे, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था पढ़ाई लिखाई। तो कितनी ज़्यादा केयरफ्री लाइफ लगती है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। तो आप देख सकते हैं ये रहा। तो थर्ड क्वेश्चन है, तो एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं विच टेल द स्टडीज वर नॉट मेन, वो है एंसिलरली सब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड लिविंग एक्सपीरियंसिंग द मेजर सब्जेक्ट्स। तो ये जो लाइन थी ये इस चीज़ को एग्जैक्ट क्लियर करती है। फिर इसका फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, वो हम अभी देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको सिमिलर ही बताना है जैसे ऊपर वाला पैसेज था, हैविंग नो वरीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब क्या है कि कोई चिंता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो कोई ऐसा वर्ड इस पैसेज में यूज हुआ है जो इस लाइन को जो है सिंपली एक्सप्लेन करता है। फिर दूसरा है, अ पीस ऑफ लैंड इन विच फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसमें जो है फ्रूट और ट्रीज को ग्रोन किया जाता है। तो देखिए ऐसा जो वर्ड है जहाँ पर फ्रूट और ट्रीज को जो है ग्रोन किया जाता है वो है आपका ऑर्चार्ड्स। तो ये रहा आपका वो वर्ड ऑर्चार्ड्स, ठीक है। और जो हमारा ये पहला था कि कोई इंसान की जिंदगी में वरीज नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, वो आप देख सकते हो केयरफ्री लाइफ। तो आंसर्स यहाँ पर मैं आपको एक बार और शो कर देती हूँ, ये रहे आपके आंसर्स। पहला आंसर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा और चौथा। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, एंड आई होप के समझाने के बाद आप थोड़ा सा और इसको ईजिली और बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अभी हमने देख लिया है ये, अब इस तरीके से ये आपका दो एक्स्ट्रक्ट के अंदर से ना आपको एक एक्स्ट्रक्ट करना है। आगे बढ़ लेते हैं फटाफट से। सेशन को लाइक कर दें, शेयर करें, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो, मुझे आपके कमेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं, तो कमेंट कर दो भाई फटाफट से। चलो तो देखते हैं, ये रहा हमारा। अब देखो ए के अंदर ना आपको दो मिले थे, दो में से आपको ना किसी एक को अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट बी है आपका, जो अगेन आपका 4 मार्क्स का है। एज आई टोल्ड यू कि आपके सीन एक्स्ट्रक्ट होते हैं, देखे हुए एक्स्ट्रक्ट होते हैं, बुक्स के अंदर से होते हैं। तो आपको क्या करना है कि भाई पहला जो है उसमें से दो में से एक करना है, और बी जो है उसमें से भी दो में से एक करना है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़े से कॉमेंट्स आप लोगों को पढ़ लेती हूँ कि क्या कह रहे हो आप लोग। तो ये आपस में भी लगे हुए हैं भाई बातें करने में, भाई पढ़ाई की बातें करो ज़्यादा यहाँ आप लोग जो है अपना ऐसे ही। चलो कहीं कोई डाउट हो तो पूछो, तो कहीं भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आ रहा है सो यू कैन आस्क। चलिए आई होप आप बिल्कुल फोकस से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं फटाफट से। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड लेट मी चेक के अभी तक 12 बच्चों ने लाइक किया है, बताओ लाइक कर दो भाई, इतनी कंजूसी क्यों करते हो आप लोग, लाइक करो फटाफट से। 50+ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एंड यू आर नॉट लाइकिंग द वीडियो। चलो देख लेते हैं। गुड जॉब मैम रितु सोमकर, थैंक यू सो मच। पटना से है कोई?
लेटर एक्सप्लेन मैंने कर दिया है डियर, लेटर की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, अभी कल ही एक्सप्लेन किया था, समझाया भी था, फॉर्मेट भी मिल जाएगा आपको, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। स्ट्रीम वन ब्लॉक वन का मतलब क्या है, अप्रैल वाले बच्चे हो आप, अच्छा जी 27 लाइक्स, अच्छा शो तो इधर कमी हो रहे, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। बी हमारा जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं ये रहा, इन द वेस्ट सर्वेज हैव कंसिस्टेंटली शोन दैट द पब्लिक प्रेफर्स विंड एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म्स ओवर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ जनरेशन। अगर हम वेस्ट की बात करें तो सर्वे में ये चीज शो हुई है कि कंसिस्टेंटली पब्लिक प्रेफर करती है विंड एनर्जी को किसी सॉरी जो दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी है और विंड एनर्जी है, पब्लिक उसको ज्यादा प्रेफर करती है, ठीक है, जनरेशन से। तो आप देख सकते हैं विंड एनर्जी के बारे में है, एंड इफ वी टॉक अबाउट द चैप्टर, तो चैप्टर का जो नेम है इसका वो है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। फ्यूल ऑफ द फ्यूचर थोड़ा सा टफ चैप्टर पड़ता है बच्चों को, तो मैंने ये भी एक्सप्लेन कर रखा है आपको, जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी वीडियोस के लिंक दे दूंगी, उससे लिया गया है एक्सट्रॉक, और यहाँ पर बात हो रही है प्रेफर करना विंड एनर्जी को। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस ये रहे, व्हाट आर द रिपोर्ट्स ऑफ द सर्वेस कंडक्टेड इन द वेस्ट, रिपोर्ट क्या बताती है सर्वे में, क्या कंडक्ट करती है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर ये रहा, जो वेस्ट सर्वेज है उसने रिपोर्ट ये किया कि पब्लिक जो है प्रेफर्ड करती है विंड एनर्जी को, एंड अदर जो रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं उनको पब्लिक ज़्यादा प्रेफर करती है, आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी, विंड एनर्जी को यूज करने के क्या एडवांटेजेस हैं, तो क्लियरली ऊपर पैसेज में भी दिया गया होगा, वैसे मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं जो हमारा दूसरा आंसर है, तो ये जो है हमारा रिन्यूएबल है, पहली चीज तो ये है, फ्री है बिल्कुल, रिसोर्स है, ठीक है, नो मैटर के इसको हमने कितना यूज कर लिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं गाइस, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, What are the advantages of wind plants over conventional power plants? तो क्या जो है wind plants के क्या जो है you know advantages हैं? तो ये रहा, wind is a source of energy producing, plants which are clean emit no air pollutants or greenhouse gases unlike conventional power plants. तो ये आपका आंसर ऊपर भी होगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन है इसका, which words in the extract are similar? देखो सिमिलर वर्ड आपका फिर से पूछ लिया गया है यहाँ पर, तो सिमिलर वर्ड है, वर्ड कौन कौन से सिमिलर हैं, पहला आपसे पूछा है दैट विच इज रिप्लेस्ड नेचुरली, कि कोई ऐसी चीज जिसको नेचुरली रिप्लेस किया जा सके, दूसरा है हैपनिंग इन द सेम वे एंड कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इन दोनों का वर्ड क्या है, रिन्यूएबल, कोई ऐसा वर्ड होता है रिन्यूएबल जो कि आपका ऊपर यूज भी हुआ है इस पैरा के अंदर, कि भाई दैट विच इज रिप्लेस नेचुरली, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं नेचुरली को, और कंसिस्टेंटली का मतलब क्या होता है, हैपनिंग इन द सेम वे एंड कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इस तरीके से ये पैरा भी हमने देख लिया है। अगर इस तरीके से आपको ये दूसरा पैसेज भी समझ में नहीं आता, सो वी हैव अनदर ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन हम लोग अभी देख लेते हैं गाइस, हमारा जो दूसरा ऑप्शन है आपका ये रहा, ठीक है, और करके दूसरा ऑप्शन भी हमारे सामने है, चलो कोई देख लेते हैं, कोई डाउट तो नहीं है आपको, ये क्या लीक पेपर कौन है ये हमारा शुभम ठाकुर, मतलब लीक पेपर कहाँ से मिलेंगे आपको, ये क्या क्या चीजें लिखते हो आप, डाउट हो तो डाउट लिखा करो, मैं कहाँ से लिखूंगा पेपर। और रितु कहती हैं थैंक यू सो मच मैम, मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ और वहाँ से पढ़ाई करती हूँ, मोस्ट वेलकम रितु, चलो आगे बढ़ लेते हैं फटाफट से, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। हिंदी पापा में आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल थी, अच्छा हिंदी में आपकी, थैंक यू सो मच, ओके यस जी, मेहनत तो हम करते हैं, नॉट ओनली मी, हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत करती है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। लव यू सौरभ कुमार, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तो और करके एक और है आपका ये रहा, तो ये है आपका, ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द राइट वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग एंड स्टार्ट्स स्पीकिंग व्हाइल ही इज दस एंगेजिंग अनदर मैन सिमिलर इन बिल्ड टू जिराड एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली। देखो ये जो आपका लेसन है ये है इफ आई वर यू, जिसमें जिराड और इंट्रूडर की कहानी है, सो इफ आई वर यू ये लेसन है, अगर आपने पढ़ा होगा एक एक लाइन को पढ़ा होगा तो इजीली आप इसको बता सकते हो। तो देखो क्वेश्चन हैं इसके, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पुट इन द पर्सन रेफर टू एज ही एंड व्हाट ही इज डूइंग,
तो देखो ये जो है हमारा ही कौन है यहाँ पर वो हम देख लेते हैं, आंसर ये रहा। तो ये जिराड के बारे में बात हो रही है, जिराड जो है वो अपना लगेज वगैरह पैक कर रहा था। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हाइल दिस पर्सन इज दस एंगेज्ड इन पैकिंग हिज बैग, कि क्या हुआ जब ये इंसान अपने पैकिंग में एंगेज था, अपने पैकिंग सामान को पैक वैक करने में लगा हुआ था। तो एक इंट्रूडर सिमिलर इन बिल्ड टू जिराड, वो दिखने में बिल्कुल जिराड जैसा ही था, उसके घर में एंटर करता है साइलेंटली टॉकिंग और रिवॉल्वर इन हिज हैंड, और वो उसके पास एक ही वॉज टेकिंग अ रिवॉल्वर, उसके हाथ में एक रिवॉल्वर भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द अबव एक्सट्रैक्ट टेल यू अबाउट द अनदर मैन राइट ओनली 2 पॉइंट्स, के ये जो एक्स्ट्रा आपने पढ़ा है ऊपर वो दूसरे इंसान के बारे में, जो मतलब दूसरा इंसान एंटर करता है उसके बारे में क्या बताता है। तो आपको दो चीज़ें बतानी हैं, द अनदर मैन इज एन इंट्रूडर सिमिलर इन बुल्ड इन जिराड, ही यू नो फ्राइटन्स जिराड टेकिंग अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड। तो दो चीज़ें हैं कि वो, पहली चीज़ तो वो कि वो जिराड के जैसा ही लगता था, और दूसरी चीज़ वो कि वो जिराड को जो है एक रिवॉल्वर लेकर उसको डराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द एक्सट्रॉक आर सिमिलर इन द मीनिंग, देखो सिमिलर वर्ड फिर आपसे पूछ ले गए हैं, दो वर्ड दिए हैं, बाय डूइंग समथिंग, बिजी डूइंग समथिंग, किसी काम में बिजी रहना, दूसरा है टू हिट समथिंग बाय एक्सीडेंट। तो दोनों वर्ड का मतलब है, किसी चीज़ में बिजी रहने का मतलब क्या होता है, इंगेज्ड, जो कि इस पैसेज में वर्ड यूज हुआ है, दूसरा है टू हिट समथिंग बाय एक्सीडेंट, तो उसके लिए बम्प वर्ड इस पैसेज के अंदर यूज हुआ है। तो आपको ना इन लाइन्स को पढ़ के ना पैसेज के अंदर ही टिक करना होता है कि कौन सा वर्ड सिमिलर है। तो इस तरीके से गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ है, टाइम इसलिए लगा है क्योंकि आपको समझाया है मैंने, और समझ के करोगे तो ईजिली कर पाओगे उसको। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं आपके, अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। सो शॉर्ट क्वेश्चन ये वही हैं जो आपके बुक के चैप्टर से आपसे पूछे जाते हैं। आपको बताऊं, चाहे आप अप्रैल वाले स्टूडेंट हो, अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स हो, आपके एग्जाम में आपसे जो है यहाँ पर 3 questions पूछे जाते हैं। आंसर एनी 3 of the following questions इन अबाउट 30 to 40 words, 30 to 40 words उनकी वर्ड लिमिट होती है, मतलब वही है 3 से 4 लाइन में ना आप उनका आंसर दे दो, और जो है ना ये आपके 2-2 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का, तीसरा भी 3-2 का मतलब, और चौथा भी। लेकिन आपको क्या करना है ना, इनमें से केवल 3 को सिलेक्ट करना है, 4 questions देंगे जो आपको इजी लगे ना आप उसको सिलेक्ट करके मतलब उसका आंसर आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। तो चलो मैं आपको ना इनको पढ़ पढ़ के समझा देती हूँ कि कैसे कैसे आपको, और साथ में आंसर भी दूंगी कि डोंट वरी अबाउट दैट, यू नो दैट दिस इज सॉल्व यू नो क्वेश्चन पेपर। तो आप देख सकते हैं ये रहा गाइस, सेशन को लाइक कर दो पहली बात तो ये है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ना बेसिकली ये जो 4 questions हैं उन्हीं में से मिलते हैं, पोएट्री में से नहीं मिलता क्योंकि आपके लेसन्स के साथ कुछ पोएम भी हैं, तो पोएट्री में से आपको कोई भी यहाँ पर नहीं मिलता, आपको केवल लेसन्स के अंदर से ही मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉक्टर टर्न इवांस आउट ऑफ हिज कार, देखो इवांस वाला लेसन है वही जो हमने अभी ऊपर जिसका एक्स्ट्रा पढ़ा, इफ आई वर यू। तो इसमें है कि भाई व्हाई डिड द डॉक्टर टर्न इवांस आउट ऑफ हिज कार, कि डॉक्टर जो है इवान को उसकी कार से आउट क्यों करता है, अ केस ऑफ सस्पिशन, मतलब नहीं ये तो दूसरा वाला लेसन है आपका, केस ऑफ सस्पिशन वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पंडित्स एडवाइस द राइटर्स मदर टू डू, तो पंडित राइटर की मदर को क्या एडवाइस करता है। तो आपको 2 चीज़ें बतानी है, ये लेसन है आपका, माई सन विल नॉट अ बेगर बी, मेरा बेटा एक भिखारी नहीं बनेगा, इस लेसन का नाम है। थर्ड है, व्हाट डज आराधनाज मदर आस्क हर टू डू टू प्रूव हर लव फॉर द पेरेंट्स, तो आराधना की मदर उसे क्या करने को बोलती हैं, मतलब उसका प्रेम देखने के लिए कि भी तुम उससे प्यार करती हो तो कुछ क्या करने को बोलती हैं वो। और चौथा क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड भोली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, ये भोली वाला लेसन है, कौन सी एज में भोली को स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ था, एंड व्हाट यू नो व्हाट वाज इट अफेक्ट्स ऑन हर लुक्स, और इस चीज़ से उसके लुक्स पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो यहाँ पर देखो इन क्वेश्चंस को पहले मैं आपको ना हिंदी में समझा देती हूँ, अगर किसी बच्चे ने स्टोरी ऐसी पढ़ रखी हो, समरी वगैरह जान रखी हो, तो आप एकदम ना कनेक्ट कर पाओगे उससे। पहला क्वेश्चन जो है जो आपका अ केस ऑफ सस्पिशन वाला है, इसमें डॉक्टर की कहानी है, ठीक है। तो डॉक्टर जाते हैं, तो व्हाई डिड डॉक्टर टर्न इवांस, डॉक्टर इवांस को कार से बाहर क्यों निकाल लेते हैं, पहला तो हमारा ये क्वेश्चन है। दूसरा है हमारा कि भाई पंडित क्या एडवाइस करते हैं उसकी मदर को, पहला देखा आंसर देखते हैं। इवांस जो है इवांस का बिहेवियर टर्न द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर, इवांस का बिहेवियर डॉक्टर का ओपिनियन टर्न करता है। फर्स्ट इवान टुक आउट अनदर सिगरेट, पहले तो इवान जो है एक सिगरेट निकालता है विदाउट कंसेंट ऑफ द डॉक्टर, बिना डॉक्टर की कंसेंट के। सेकेंडली वो क्या करता है इसके अलावा,
सेकेंडली वो जो है ही सस्पेक्टेड थी, तो दूसरी बात ये वो ना एक थीफ की तरह लगता है एज ही हैड स्टोलन डॉक्टर्स वॉच, क्योंकि उसके पास एक डॉक्टर की चुराई हुई घड़ी होती है. सो ही लॉस्ट डॉक्टर सिंपथी, इसलिए वो डॉक्टर की सिंपथी खो देता है एंड जो डॉक्टर होता है वो उसको कार से गेट आउट कर देता है. तो ये रीजन था कि डॉक्टर इवांस को कार से निकाल देता है. 30-40 वर्ड लिमिट है इसकी, आंसर इतना ही देंगे, ज़्यादा लेंथी करने की कोशिश मत करिएगा. सेकेंड क्वेश्चन है गाइज आप लोगों का, देख सकते हैं आप लोग. सेकेंड क्वेश्चन वही था कि पंडित क्या एडवाइस करते हैं, मतलब पंडित एडवाइस राइटर की मदर को, तो दो चीज़ें आपको बतानी है. तो उनका बेटा अंधा था, माय सन विल नॉट अ बैगर भी, ये जो लेसन है कि मेरा बेटा भिखारी नहीं बनेगा. उनका बेटा ना अंधा था, तो उनको लगता था ना ऐसा ना हो जाए कि मेरा बेटा भिखारियों की कैटेगरी में आ जाए. तो वो कुछ टोकते पोकते अपना करवाती हैं, उसके बाद ना पंडित जी उनको एडवाइस करते हैं कोई दो चीज़ें. वो क्या चीज़ें थी, वो थी द पंडित एडवाइस राइटर्स मदर टू डू यू नो पीनेंस फॉर हर सिंस. तो पंडित पीनेंस अपने उनकी सिंस के लिए जो है उनको एडवाइस करते हैं. पंडित ऑल्सो एडवाइस राइटर टू डू सम यू नो स्टर्मन्स फिजिकल एक्सरसाइजेज इन ऑर्डर टू रिगेन हिज आई साइट. तो ये चीज़ें पंडित जी जो है एडवाइस करते हैं उनके बेटे को कि भाई ये टोटके अपना लो, तू मतलब ये काम कर लो, तो उससे तुम्हारे बेटे की आँखें आ जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है भोली वाला कि कौन सी एज में भोली को स्मॉल पॉक्स, मतलब जो है स्मॉल पॉक्स हुआ था. ये रहा आपका, नहीं ये तो थर्ड है आपका सी. आराधना की मदर उससे क्या करने को बोलती हैं अपना लव शो करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर्स मैं आपको दिखा रही हूँ. इफ़ यू वांट टू नोट डाउन सो यू कैन इजीली नोट डाउन फ्रॉम हियर. तो देखो आराधना की मदर उससे कहती हैं, अभी दिखाती हूँ आपको क्या कहती हैं. आराधना की जो मदर हैं ऑफर्ड हर अ गार्लैंड, एक उसको ऑफर करती है गार्लैंड करने का, विच वॉज अ साइन ऑफ एक्सट्रीम लव फॉर हर पेरेंट्स, जो कि उसके माँ बाप के लिए एक एक्सट्रीम लव था. मतलब आराधना मदर देन आस्ट हर टू गो ऑन दी स्टेज, और आराधना की मदर से बोलती हैं कि तुम स्टेज पर जाओ डांस करो और प्रूव करो दैट कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो. तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जिसकी अगेन आपकी वर्ड लिमिट क्या है, 30-40 वर्ड. फोर्थ क्वेश्चन भोली वाला है कि भोली को कौन सी एज में स्मॉल पॉक्स का अटैक पड़ा था, तो स्मॉल पॉक्स का अटैक जो पड़ा था 2 इयर्स की थी तब वो, और उसकी वजह से ये हुआ था कि उसका जो फेस था उसमें बहुत सारे पॉक्स के मार्क्स आ गए थे और वो बहुत ही अगली लगती थी, बहुत ही बदसूरत लगती थी, और दिस हैड ग्रेटली एडिड टू हर डिस्कम्फर्ट लाइफ, और इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बड़ी मतलब डिस्कम्फर्ट हो गई थी, बड़ी ज़िंदगी उसकी तबाह हो गई थी. चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे भोली के दुख को, और जिस जिसने चैप्टर पढ़ा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई तैयारी कितनी है, मुझे भी तभी आपका आइडिया होगा. चलो तो इस तरीके से ना आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने को आते हैं आउट ऑफ 4, 3 out of 4 आप इजीली कर पाओगे. इस तरीके से क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करो. मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो विद आंसर्स मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा चैनल पर, आप चेक कर लो, अभी 1-2 दिन पहले ही वो मैंने डाली है. चलो आगे बढ़ लेते हैं फटाफट से. नेक्स्ट क्वेश्चन जो गाइस आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, लेकिन समझ लोगे किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं. तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस वो है आपका 6 मार्क्स का, ठीक है. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट मीन्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम इसके पहले कॉमेंट्स पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. माननीय दीदी जी को प्रणाम, ओह थैंक यू. एक बार नाम ले लीजिए, मैम बिग फैन ऑफ यू. ओम प्रकाश, थैंक यू सो मच ओम प्रकाश, एंड बिग सपोर्ट फॉर यू, बिग लव फॉर यू फ्रॉम द साइड ऑफ आवर टीम. चलिए आगे बढ़ लेते हैं. और कोई डाउट इम्पोर्टेंट बता रही हो जी, इम्पोर्टेंट ही बता रहे हैं. चलो आगे बढ़ लेते हैं, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो जी. रितु सोनकर, बिल्कुल होम साइंस की भी तैयारी कराएंगे नेक्स्ट पेपर. आई नो कि आपका होम साइंस का है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं. ले लिया, आई हैव टेकन. रवि एंड राज, थैंक्स, थैंक यू सो मच. मित पटेल, फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल लाइव लेना जी, फिजिक्स की तो आपकी चल ही रही हैं. सोना मुदगल, इकोनॉमिक्स की तैयारी भी करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, और होम साइंस के लिए टेंशन मत लो आप लोग. और केशव बिस्ट, हे मैम रियली लाइक यू ऑल वीडियोस, थैंक यू सो मच केशव. मित पटेल, बिल्कुल हैदर सर ले रहे हैं आपकी फिजिक्स की लाइव क्लास. बाकी अगर कम टाइम में आपको कोर्स कंप्लीट करना है तो आप कोर्स परचेस कर लो, बहुत आगे बराबर फीस है, फ्यूचर में बढ़ सकती है, ठीक है. हाँ जी, हिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, और हिस्ट्री का पूरा सिलेबस वैसे चैप्टर वाइज चल भी रहा है.
संजना पॉलिटिकल साइंस मैम, यस संजना डियर चल रही है पॉलिटिकल साइंस भी। चलो और कोई डाउट? अच्छा अमित पटेल कह रहे हैं देखो मेरी पावर बहुत पावरफुल हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं, अब लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज योर लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपके चैप्टर्स में से आता है। जैसे ना आपके शॉर्ट क्वेश्चन आए ना ये 2-2 मार्क्स वाले, ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन। होम साइंस इंग्लिश मीडियम डियर पूरी कोशिश रहेगी कि होम साइंस के इंग्लिश मीडियम के भी आपको क्वेश्चंस लेकर के आए हम। मैम यू आर लुकिंग गुड, थैंक यू सो मच गौरव। चलो आप लोग बातों में लगा रहे हो भाई अब तो। मैम आपने बहुत हेल्प की है, सत्या वामा थैंक यू सो मच। चलो गाइज आगे बढ़ लेते हैं, अभी देखते हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन, फिर आपके कमेंट्स में देखती हूँ, करते रहो अच्छे अच्छे से कमेंट्स आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है, गिव 3 रीजंस व्हाई टेम्बू वाज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। देखो एनएस वाले बच्चों के लिए अच्छी बात ये होती है कि उनका ना जो भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, उसके सामने क्वेश्चन के सामने उनका चैप्टर नेम भी ब्रैकेट में दे दिया जाता है। तो ये रहा आपका जो है चैप्टर नेम द टाइगर इन द टनल, ऐसे ही ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में भी दिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, तो टाइगर इन द टनल हमारा चैप्टर है। टेम्बू को डर क्यों नहीं लग रहा था, 3 रीजन आपको बताने हैं। टेम्बू वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग बिकॉज द टाइगर हैड ऑलरेडी बीन किल्ड। टेम्बू को इसलिए डर नहीं लग रहा था क्योंकि टाइगर को पहले ही मार दिया गया था। द फॉरेस्ट गॉड वॉज प्लीज्ड विद हिम, फॉरेस्ट का जो गॉड था वो उससे खुश हो गया था, मतलब जो वन के भगवान थे देवदूत थे वो उससे खुश हो गए थे। ही हैड हिज फादर्स एक्स, और उसके हाथ में उसके पापा की कुल्हाड़ी भी थी विच ही न्यू हाउ टू यूज, जो उसको पता था कि इस कुल्हाड़ी को यूज कैसे करना है, तो इसलिए वो बिल्कुल निडर था। दीज वर द रीजंस टेम्बू वॉज फियरलेस, और यही रीजन थे कि टेम्बू को डर नहीं था। अच्छा ये जो लेसन है द टाइगर इन द टनल है, इसमें क्या होता है, टेम्बू के जो फादर होते हैं वो फॉरेस्ट में मतलब रेलगाड़ियों की रखवाली वहीं पर मतलब उनकी कुछ जॉब वॉब होती है, तो उसके चक्कर में टाइगर उन पर अटैक करता है और उनकी मौत हो जाती है। तो उनका जो बेटा था टेम्बो वो उनको सपोर्ट किया करता था, साथ आया करता था, तो बाद में ना वही अपने पापा का काम संभाल लेता है। तो वही चैप्टर है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ईजिली आप कर पाओगे और ईजी तरीके से आप इस तरीके से क्वेश्चन देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसको प्रिपेयर कर लेना क्योंकि लेसन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब ये जो दिया गया है कि भाई आपको 60 वर्ड्स में आंसर देना है, अगर पहला समझ में नहीं आए तो डोंट वरी, आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जो कि आपका ये है और करके, डिस्क्राइब इन अबाउट 5 सेंटेंसेस नेहरूज विजन ऑफ फ्यूचर इंडिया। इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर चैप्टर का नेम है, तो डिस्क्राइब करना है 5 सेंटेंसेस में आपको नेहरू के जो फ्यूचर ऑफ द इंडिया को लेकर जो सपने थे उनको, वे क्या थे, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे उनके जो सपने थे। नेहरू जी विश करते थे मॉडर्न इंडिया को लेकर, ही वॉन्टेड दैट इंडियन शुड मार्च एंड यू नो अहेड यूनिटेडली। इस तरीके से जो 3 रीजन्स आप देख सकते हैं, इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। चलिए बढ़ लेते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आता है गाइस आपका, एक एक्स्ट्रा पूछ लिया जाता है विच इज़ योर पोइट्री एक्स्ट्रा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पोइट्री के एक्स्ट्रा भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। कुछ पोएम्स हैं आपके सिलेबस में, पोएम्स में से आपको 2 पोइट्री के एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जहाँ से आपको एक करना है। आई थिंक 2 में से एक ही आता है या फिर एक भी आ जाता है जो आपको करना होता है। तो देखो जैसे कि ये कुछ एक्स्ट्रा कुछ लाइंस हैं एक्स्ट्रा की, इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको पढ़ के, क्योंकि पोएट्री ना थोड़ी सी टफ होती है कंपैरिजन टू द चैप्टर्स, तो पोएट्री को ना आपको डिटेल में समझना पड़ता है हर एक वर्ड को। तो ये है हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कितनी बार मैं वहाँ जाने का सोचता हूँ, टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। मैं सोचती हूँ कि मैं जो है जो मतलब जो एकदम यू नो विंडो की जो आंखें धुंधली पड़ी हुई हैं उनकी उनके अंदर झांकूं और जो वहाँ हवा जमी पड़ी है उसकी तरफ देखूं। ये जो आपकी पोएम है ये है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि 6 नंबर की मतलब 6 नंबर का चैप्टर है। तो ये पोएम भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से करवाई है और ईजी तरीके से आप इसके क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, उसकी ये आपकी जो है एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं इसके बेस पर कौन कौन से क्वेश्चन है। ये रहा ए आपका, व्हाई इज द एयर इन द ग्रैंड मदर हाउस डिस्क्राइब एज फ्रोजन, के जो दादी माँ के घर की जो हवा थी उसको फ्रोजन क्यों बोला गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर आप देख सकते हैं कि जो फ्रोजन एयर ये चीज एक्सप्रेस करती है कि कंप्लीट एम्प्टीनेस एंड साइलेंस विदाउट एनी काइंड ऑफ साउंड, के बहुत ज्यादा साउंड था और ऐसा लगता हवा भी जम गई हो वहां की। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, मतलब बाहों में भर के अंधेरा डार्कनेस, इसका मतलब क्या है।
तो इसका मतलब है एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस मीन्स कंप्लीट फुलनेस, कंप्लीटली साइलेंट, बहुत ज्यादा शांति। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर ये आपके आंसर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपको एक लाइन और दे दी इसी एक्सट्रैक्ट के अंदर से, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। टू लाइन बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, कि ऐसा लग रहा है मेरे बेडरूम के डोर पर एक ब्रूडिंग डॉग बैठा हुआ। ब्रूडिंग का मतलब बिल्कुल शांति से ध्यान मगन, जो डॉग होता है एक तरफ वो बिल्कुल ध्यान लगा के रहता है, उसको ब्रूडिंग डॉग बोलते हैं। तो ये जो आपका आंसर है आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आंसर आई थिंक कट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं फटाफट से, अभी हम देखते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा भी आपके दो पूछे जाते हैं, अगर ये समझ में नहीं आता तो यू कैन स्किप इट, दूसरा आपके सामने है ये रहा। तो आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय स्कॉर्पियन, ये आपकी पोयम है द नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन, मतलब बिच्छू की रात, बिच्छू ने काटा था इसकी मम्मी को, और जिसने मतलब लिखी है पोयम द नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन, अच्छी पोयम है और थोड़ा सा आप इमोशनल भी हो जाओगे मम्मी से प्यार करते हो। तो देख सकते हो इसके अंदर आपके जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, ये एक्स्ट्रा है आपका। इन पोयम की जो है एक्सप्लेनेशन समझ लेना, जान लेना, तो इजीली इसको कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट हैड ड्राइवन द स्कॉर्पियन इनसाइड द हाउस, क्या चीज उस स्कॉर्पियन को, उस बिच्छू को घर के अंदर ले आई थी। आंसर है, जब आप इस पूरी पोयम को पढ़ोगे तो इजीली समझ पाओगे कि 10 आवर्स कंसिस्टेंट जो रेन हुई थी, 10 घंटे लगातार बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से वो स्कॉर्पियन जो है घर के अंदर आ गया था। बिकॉज गाँव में ऐसा ही होता है कि गाँव देहात होते हैं, जंगल वंगल खेत वेत होते हैं, तो वहां पर बिच्छू सांप इस तरीके की चीजें आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका गाइस कि व्हेन डिड द स्कॉर्पियन क्रॉल, वेयर डिड, मतलब कहाँ पर वो स्कॉर्पियन क्रॉल कर रहा था, रेंग रहा था। तो ये आपका आंसर है, वो जो स्कॉर्पियन था, मतलब वो जो स्कॉर्पियन था वो राइस सैक, मतलब जो चावल का पूरा कट्टा सा होता है ना, उसके वहां पर वो स्क्रॉल कर रहा था। चलिए थर्ड क्वेश्चन है गाइस आपका, व्हाई डज द पोइट कॉल द टेल डायबोलिक, तो ये पॉइंट किस चीज़ को बोलता है, बिकॉज इट लीव्स द पॉइजन वेयर इट स्टिंग्स, क्योंकि बिच्छू जहाँ जाता है ना वहाँ पर वो पॉइजन यानी जहर फैला देता है। तो इस तरीके से आप दो में से कोई भी एक पोइट्री का स्ट्रक कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्री के एक्स्ट्रक्ट आई हैव ऑलरेडी शेयर विद यू, तो आप देख लेना चैनल पर जा करके और फटाफट से उनको तैयार कर लेना। अब इस तरीके से गाइस एक और क्वेश्चन आपका अगला दिया जाता है, जो कि आपका जो होता है इस तरीके से, ये अनसीन पैसेज। ठीक है, तो ये अनसीन पैसेज किसी भी टॉपिक पर हो सकता है आपका, और ये जो है कोई मिस्टर पिकविक हैं उनके फ्रेंड्स के बारे में है। तो आज अब इनको पढ़ेंगे, अनसीन पैसेज सॉल्व करने का यही तरीका है, फटाफट से पैसेज को हल्की हल्की नजर से पढ़ो और देन कम्प्लीटली उसके क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपके ये रहे, उस क्लब का नेम, नेम द क्लब रेफर्ड इन द अबव पैसेज, उस क्लब का नेम आपको बताना है जो कि इस पैसेज में बताया गया है, और उस क्लब को बनाया किसने था। तो देखते हैं, ये रहा, मिस्टर पिकविक एंड हिज फ्रेंड्स मेड अ क्लब, इट वाज कॉल्ड द पिकविक क्लब था उसका नाम, बिल्कुल क्लियर ये जो है दिया गया था, और बनाया किसने था, मिस्टर पिकविक ने और उनके फ्रेंड्स ने। तो पहला आंसर तो आपको यही मिल गया, देखो पहली लाइन में। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट डिसीजन मेड बाय द क्लब, इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या था उस क्लब के लिए, द क्लब द इम्पॉर्टेंट डिसीजन, देखो ये आ गया यहाँ से, आप जो है देख सकते हैं, क्लब आस्क्ड हिम टू गो एंड सम स्पेशल जर्नल्स, इस तरीके से यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है इजीली। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिस्टर पिकविक रिक्वायर्ड टू डू फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इस तरीके से ये रहे। देखो सारे में फटाफट से ना आंसर्स आपको नीचे दिखा देती हूँ, वैसे ईजी आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता, आप ईजी तरीके से इसके आंसर ढूंढ सकते हो। तो जल्दी से आप इनको नोट डाउन भी कर लीजिए अगर आपको करना है तो, बाकी पीडीएफ इस क्लास के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर ईजिली मिल जाएगी। और थोड़े से आपके कॉमेंट्स पढ़ लेती हूँ मैं अभी, तो 70 प्लस स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं, हिस्ट्री के डियर, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं चैनल पर। शानू सिंह, अच्छा सही है, ये आपस में भैया बातों में लगे हुए हैं, ध्यान से पढ़ लो भाई, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। शानू सिंह कह रहे हैं थैंक यू सो मच मैम, आप हमारी बहुत हेल्प कर रहे हो, यू मोस्ट वेलकम। चलिए गाइस आगे बढ़ लेंगे, यूट्यूब पर तो खुद ही आ जाएगी गाइस, किशन कुमार, ये वीडियो यूट्यूब पर ही है हमारी इस वक्त, और आ भी जाएगी इसके बाद, आप देख सकते हैं उसको फिर से भी। चलिए मैम मेरा मंडे को पेपर है, हाँ जी मंडे को ही पेपर है इंग्लिश वाले बच्चों का, हाँ बिल्कुल, ये वीडियो सानिया, ये वीडियो यूट्यूब पर बिल्कुल सेव ही रहेगी, आप देख सकते हो इसके जस्ट बाद भी।
आज ही आई हूँ फर्स्ट टाइम, ये है जूही परवीन, मोस्ट वेलकम है आपका। हाँ बिल्कुल टेलीग्राम पर डाल देंगे सताक्षी। चलो सानिया ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, कहीं कोई डाउट हो तो डाउट भी बताना अपना भाई, डाउट जब आपके होते हैं तो उससे दूसरे बच्चों की भी हेल्प होती है, मैं इसलिए बार बार आपको बोलती हूँ कि डाउट भी बता देना अपने। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर, अगेन एक पैसेज है आपका, ये भी आपका अनसीन ही पैसेज होता है, तो इसको भी हम एक फटाफट से मतलब तेजी भरी नजर से देखेंगे। बाकी सेशन को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, मैं देख लेती हूँ लाइक किस किसने नहीं किया है अभी, मतलब फटाफट से लाइक करो जल्दी से और शेयर कर देना, चाहे वीडियो देखने के पूरे बाद आप शेयर कर देना चाहे बीच में। दूसरे बहुत सारे ऐसे एनआईएस बोर्ड के बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, पढ़ाई हो नहीं पाती, तो आपका एक शेयर किसी बच्चे के मार्क्स इंक्रीज करा सकता है, उसकी नॉलेज में थोड़ा सा गेन कर सकता है वो, तो शेयर कर देना। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स तो आपको यहाँ से मिलती रहती हैं। और हाँ जी एक चीज़ और है कि चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, तो लर्न इंग्लिश चैनल को विजिट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलो देख लेते हैं आगे, किशव आप क्या पूछना चाह रहे हो? मैंने कर दिया मैम लाइक, ओके सानिया थैंक यू मैम होस्टिंग। चलो आगे बढ़ लेते हैं गाइस, देखते हैं, चलो अच्छा लग रहा है आप सबसे जुड़ के, और इसी तरीके से अपने प्यार भरे कमेंट्स करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका देखो अनसीन पैसेज का ही है, और ये है मैनी पीपल डू गुड थिंग्स इन देयर लाइफ्स, कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, आप भी कर दीजिए वीडियो को शेयर करके, मतलब देखो आपके पैसेज में भी यही है, ठीक है। तो ये भी आपका कि मेरी मम्मी एक इसका एक जीता जागता उदाहरण है, व्हेन आई वाज 30 माय फादर डाइड, कि जब मैं जब मैं 13 ईयर्स का था तो मेरे फादर डाई हो गए, ऐसा इस पैसेज में कहा गया है। आई वाज द ओल्डेस्ट ऑफ फोर चिल्ड्रन, मैं अपने चार भाई बहनों में सबसे बड़ा था, मेरी जो लिटिल सिस्टर थी वो वाज ओनली 4 ईयर्स ओल्ड, उस टाइम पर वो 4 साल की थी। ईजी लैंग्वेज होती है देखो आपके अनसीन पैसेज, ज़्यादा टफ नहीं होती, आप आराम से उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही जनरल यहाँ पर टॉपिक लिया जाता है और बहुत ही इजी इसकी लैंग्वेज होती है, कोई टफ वाली नहीं होती। फटाफट से इसके क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, कोई है इसमें जो बता रहा है कि मेरी मम्मी ने पूरा घर संभाला और फादर की डेथ हो गई और मेरी सिस्टर इतनी बड़ी थी जब उनकी डेथ हुई, ऐसा ऐसा करके पूरा पैसेज है, फटाफट से इसके ना हम जो है आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन गाइज आप लोगों का है, हाईलाइट करना है द मिसफॉर्चून सफर्ड बाय द राइटर्स मदर, के जो राइटर हैं जिसने मतलब पैसेज लिखा है उनकी मदर के साथ कौन कौन सी मिसफॉर्च्यून हुई थी वो आपको हाईलाइट करना है। 2 नंबर का है ये, ऊपर भी देख लेंगे नीचे, वैसे मैं आंसर्स आपको दिखाई दूंगी इसके। दूसरा है द राइटर्स मदर्स लाइफ वॉज अनहैप्पी वॉज हैप्पी एंड केयर फ्री बिफोर द मिसफॉर्च्यून्स बिफेल हर, ठीक है। जो राइटर थी उनकी मम्मी की लाइफ जो थी वो बहुत ही हैप्पी थी, केयर फ्री थी, जब तक उनके साथ ये मिसफॉर्च्यून्स नहीं हुई थी उससे पहले। तो कोट डिटेल्स फ्रॉम द पैसेज इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो आपको ये चीज़ें बतानी है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वॉज द राइटर्स मदर एबल टू कोप अप विद दी चैलेंजेस सर्कमस्टेंसेस, तो राइटर की मदर ने किस तरीके से उन जो है कोप अप किया जो चैलेंजेस थे जो परिस्थितियां थी उनके सामने। और फोर्थ क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज सिमिलर है, सिमिलर कौन सा है, शोविंग अ लॉट ऑफ लव फॉर समबडी ऑफन इग्नोरिंग देयर फॉल्ट्स, किसी इंसान के लिए बहुत सारा प्यार जताना, ठीक है, ऑफन उसकी गलतियों को जो है ना इग्नोर करके उसके लिए केवल प्यार शो करना। दूसरा है टू शो योर यू नो अप्रूवल बाय क्लैपिंग योर हैंड्स, कि आपको जब आप अपना अप्रूवल शो करते हो अपने हैंड्स को क्लैप करके, तो इन दोनों ही लाइंस के लिए सेंटेंस के लिए कोई एक एक वर्ड इस पैसेज में यूज हुआ है। तो फटाफट से हम आंसर्स इसके देख लेते हैं, ये रहेगा इस आंसर्स। तो पहला आंसर वही है कि राइटर की मदर ने बहुत कुछ सफ़र किया जब उनकी शादी हुई 9 ईयर ओल्डर मैन के साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आंसर है पहला। दूसरा आंसर भी हम देख लेते हैं, तो राइटर की मदर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी जब तक उनके साथ मिसफॉर्च्यून्स हुई। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये रहे इसके आंसर्स भी। अनसीन पैसेजेस हैं, इनको प्रैक्टिस करना, अनसीन पैसेज भी मैंने आपके साथ काफ़ी सारे शेयर किए हैं फॉर योर प्रैक्टिस, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे बिल्कुल, ठीक है। और इसी तरीके से हम फिर जो है क्लासेस में मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जो अगेन आपका पैसेज, देखो पैसेजेस की भरमार होती है 12th NIS वाले बच्चों के लिए, पैसेजेस की भरमार होती है, लेकिन वो अलग बात है कि आपके जो पैसेजेस है ना वो थोड़े अलग अलग टाइप के, जैसे कि स्टार्टिंग में सीन पैसेज थे, उसके बाद आपके अनसीन पैसेज हैं, उसके बाद आपके पोइट्री वाले पैसेज हैं, ठीक है। देन आपके अभी जो है नोट मेकिंग का पैसेज भी आएगा, वो भी पैसेज ही होता है,
और उसके बाद आपका जो है 100 वर्ड की समरी बनाने को पैसेज आएगा। ये इतने सारे पैसेज आपके 12th वाले बच्चों के लिए सिलेबस में रखे गए हैं, आप इजीली इनको कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे यहाँ से। तो ये सारे के सारे पैसेजेस ही हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड रहते हैं, मतलब ठीक है ऐड रहते हैं। तो आप देख सकते हो। चलो कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। जूही परवीन, मैं नागालैंड से हूँ, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है भाई। चलो कोई और डाउट हो तो बताइए। मैम इंग्लिश में ईएसपी में कौन सा चूज करना है, रिसेप्शनिस्ट वाला या फिर ऑफिस यूज वाला? देखो ये मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी, जब अभी हम इस पेपर के लास्ट में आएंगे तो सेक्शन बी के अंदर आपको ना दो ऑप्शन मिलेंगे। उसमें पहला ऑप्शन जो है वो ईएसपी फॉर रिसेप्शनिस्ट का है और दूसरा ऑप्शन ऑफिस यूज का है। ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा ज्यादा बेटर आता है, आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको रिसेप्शनिस्ट वाला ज्यादा अच्छे से आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर ऑफिस यूज वाला आता है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूं कि आपको तैयारी के लिए कौन सा बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ईजी रहेगा, तो वो रिसेप्शनिस्ट वाला ज्यादा ईजी रहेगा, तो उसको आप कर लो, बाकी तो आपकी चॉइस है जो भी आप करना चाहो, ठीक है। तो ये प्रेमचंद का जो है मतलब डाउट है, तो बहुत अच्छी बात है आप इसी तरीके से डाउट पूछे अपने, तो आप कोई सा भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक ही ऑप्शन को अटेम्प्ट करना, फायदा नहीं है दूसरे ऑप्शन पर जाने का भी, क्योंकि नंबर आपको एक ही के मिलने वाले हैं। मैम पैसेज बहुत अलग अलग होते हैं। हाँ जी, कई तरीके के पैसेज होते हैं यहाँ पर। टाइमिंग क्या है मैडम का पढ़ाने का? देखो डियर, वैसे तो हमारा बहुत सारे टाइमिंग है, पूरे दिन वीडियोज हम डालते ही रहते हैं, लेकिन अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपकी लाइव क्लास ले रहे हैं, तो मे बी देखते हैं अगर ये पेपर आज हो गया तो, नहीं तो फिर कल जो है सेम टाइम हम 8 बजे फिर से आपकी क्लास रखेंगे और इस पूरे पेपर को जो है फिनिश करेंगे। लिटरेचर और ग्रामर कितना कितना आता है? ग्रामर तो है कुछ 8-10 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके पेपर के अंदर, बाकी लिटरेचर अभी आपने देखा पूरा पेपर समझो तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। मैम ऑप्शन वाला वीडियो डाल दीजिए, 15 नंबर वाला इंग्लिश, बिल्कुल हाँ जी, वो 15 नंबर जो आपका ऑप्शन वाली वीडियो है वो सुबह तक मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सुबह वीडियो मिल जाएगी, तैयार है, बस थोड़ा सा उसमें भी काम है, तो डोंट वरी, दोनों ही ऑप्शन की वीडियो आपको मिलेगी। चलो आगे बढ़ लेते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, बाकी सेशन को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, और काफ़ी सारे सिलेबस हम अपने चैनल के थ्रू करवा चुके हैं आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, तो चैनल के अलग अलग प्लेलिस्ट पर जाकर आप पूरे सिलेबस को आराम से कंप्लीट घर बैठे कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो देखो ये रहा आपका अगेन फिर से आपका जो है ये पैसेज है यहाँ पर, तो बढ़ लेते हैं इसकी तरफ अभी हम लोग। तो पैसे देख लेते हैं गाइस हम लोग, अभी ये रहा। तो ये रहा नेक्स्ट पैसेज हम लोग का, पैसेज है ये, एंशिएंट पीपल वर्शिप ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेचर सच एज द सन, मून, रेन, विंड, रिवर्स। जो प्राचीन मनुष्य हुआ करता था, जो पुराने लोग होते थे ना, वो लगभग सभी जो नेचर के एलिमेंट्स होते थे ना, उनकी पूजा करते थे, जैसे कि हमारा मून हुआ, रेन हुई, विंड, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, इन सभी की, तो लगभग इसी के बारे में है ये हमारा। और आप देख सकते हो ये जो आपका पैसेज है इसको आप समझो एक बार, ये जो आपका पैसेज है आपका 3-4 नंबर का आपका पैसेज है ये, और इसमें कहा गया है कि कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। स्टेटमेंट्स का मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको आपको फिल करना है इस पैसेज को पढ़ने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया होगा कि भाई हाँ, नेचर के एलिमेंट्स की बात हो रही है, जो पुराने लोग थे वो जो है नेचर एलिमेंट्स को पूजते थे। इवन टुडे ऑन बसंत पंचमी पे क्या होता है, गॉडेस को जो है वर्शिप किया जाता है बहुत ही डिवोशन के साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रहा, फ्लावर्स वगैरह देके जो है वर्शिप की जाती है इस तरीके से। अब एंशिएंट पीपल वर्शिप्ड, तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, वर्शिप्ड ऑल एलिमेंट्स, इसको आप जो है बहुत ही सिंपल वे में लिखेंगे। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो ऊपर से फिल करने हैं, कुछ अलग से नहीं करना आपको। ये रहा ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेचर सच एज द मून, सन, रेन, विंड, ये रहे आंसर्स, आप इजीली देख सकते हो। इस तरीके से ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई सा भी पैरा दे दें, ईजी ही इसकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ज़्यादा टफ नहीं होती। नेक्स्ट आपका ये रहा क्वेश्चन, तो मैं फटाफट से दिखा रही हूँ, ये आप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ आपकी प्रैक्टिस कैसी रही और आप जो है कितना यहाँ पर सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो।
चलेगा। एक और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज योर क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे अगेन एक जो है क्वेश्चन किया गया है, अगेन आपका पैसेज है, लेकिन ये पैसेज डिफरेंट है। एज आई टोल्ड यू कि ये आपका जो है 5 मार्क्स का जो है पैसेज पूछा जाएगा, और इसमें क्या किया जाएगा आपसे जो है मेक अ समरी इन अबाउट 100 वर्ड्स। पूरा पैसेज दे दिया आपको और इसमें आपको 100 वर्ड्स की समरी बनाने को आएगी। समरी का मतलब बिल्कुल इस पूरे पैसेज का निचोड़। एक बहुत आसान सा एग्जांपल आपको देती हूँ। आपने एक मूवी देखी है 2.5-3 घंटे की, आपका फ्रेंड नहीं देख पाया, उसने पूछा भाई बता क्या स्टोरी है, मतलब क्या कहानी है, वो बहुत एक्साइटेड था। तो आप वो 2.5 घंटे की मूवी ऐसा तो नहीं है कि पूरे 2.5 घंटे में ये एक्सप्लेन करोगे, नहीं ना, 5 से 10 मिनट में उसको निपटा दोगे, जो बिल्कुल मेन मेन सी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप उसकी स्टोरी को सुनाओगे तो उसमें आप कोशिश करोगे मेन मेन सारी चीज़ें आ जाएं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पूरी स्टोरी के वो भी आ जाएं, और आपकी बात भी सामने वाले को समझ में आ जाए, कहानी भी समझ में आ जाए। ऐसे ही ये है आपका, जब आप 100 वर्ड की इसकी समरी बनाओगे, पैसेज तो ऑलमोस्ट आपका काफ़ी बड़ा होता है ये रहा, तो 100 वर्ड की समरी आपके ऑलमोस्ट 10-12 लाइन में आराम से आ जाएगी इजीली। तो 10 से 12 लाइन आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, और इसको पढ़ के बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने का तरीका ये है, आप इस तरीके से इसकी शुरुआत कर सकते हो, दैट इन दिस पैसेज, कि इस पैसेज के अंदर आई रीड अबाउट, के मैंने पढ़ा, आई रीड अबाउट जिस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा तो आप बता सकते हैं, और थोड़ा सा उसके बारे में लिख सकते हैं, कुछ लाइंस आप इसी की यूज़ कर लीजिए, और कुछ अगर आप सेंटेंस बना पाओ तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन शुरू से आखिर तक आप जो बिल्कुल निचोड़ है इस पूरे पैसेज का, यू हैव टू प्रोवाइड इट, आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो 5 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाते हैं। अगर कुछ बच्चे बिल्कुल ही इंग्लिश में जीरो हैं, कुछ भी नहीं पता है, तो कम से कम इतना करके आना कि भाई हाँ, इसमें से ही आप जो है कुछ लाइंस जो है इसी में से अपना लिख करके आ जाना। एक चीज़ और है, क्वेश्चन चाहे आपको बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन आपको बिल्कुल आंसर शीट पर लिख करके ही आना है, कोई सा भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। चलो देख लेते हैं, तो देखिए इसका मैं अभी आपको जो है आंसर दिखा देती हूँ, ये रहा। तो इतना आंसर आप लोग लिखेंगे, और बाकी इसका आंसर नीचे भी दिया गया है। चलो तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका अब ग्रामर वाले पोर्शन से आएगा। तो ग्रामर बहुत ज़्यादा तो नहीं आती, मगर जितनी भी आती है वो करनी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कम भी नहीं आती, ठीक है। तो देख लेते हैं, बाकी अगर कुछ डाउट हो तो पहले आपके डाउट देख लेती हूँ मैं। मैम थैंक यू सो मच, ये शानू कह रहे हैं कि आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो, यू मोस्ट वेलकम शानू। मित पटेल, चलिए आयुष कुमार, किशन कुमार, मैम बाद में लाइव आता हूँ घर जाके, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, चलो कोई नहीं, बाद में देख लेना आप। किशन कुमार, अंजलि पाठक कह रही है हेलो मैम, मैं दिल्ली से हूँ मैम, टीचर ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया और ना ही कोई असाइनमेंट। तो देख लो भाई आपके अंजलि के आपके एग्जाम कब हैं, उसी हिसाब से पता होना चाहिए आपका चीजों का आपको। निशा परवीन कह रही है मैम इंग्लिश के एग्जाम से पहले हम इतना सिलेबस कवर कर लेंगे, मींस प्रिपेयर हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, आपको वैसे प्रिपरेशन तो पहले बहुत पहले से ही शुरू कर देनी थी, लेकिन अगर आपने चीजों को पढ़ रखा है सो नाउ यू हैव टू ओनली यू नो रिवाइज। चलो कहीं कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का भी बिल्कुल कोशिश करेंगे, लाइव आपके लिए क्लास लेकर के आएं, आसिफ सर से हम बात करेंगे इस बारे में, डोंट वरी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। तो ऑलमोस्ट 70 के अराउंड हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बने रहिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं, अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्ब की फॉर्म फिल करनी है, लाइक आपकी जो है ना वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है ना। छोटा सा पैसेज देंगे, जैसे कि ये रहा आपका 4 नंबर का पैसेज होगा, और इस पैसेज में आपको करेक्ट वर्ब की फॉर्म या फिर जो अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो भरनी होती है। अगर आपने वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म भरी है और आप इस छोटे से पैसेज को पढ़ के हो समझते हो, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्रेजेंट वर्ब की फॉर्म भरनी है या फिर पास्ट की। 90% आपकी पास्ट की वर्ब फॉर्म जो है दी गई होती है, जिनमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है, ठीक है। पास्ट का रूल आपको पता है, पास्ट इंडेफिनिट का, कि उसमें आपको V2 यूज़ करना होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म।
तो ज़्यादातर आपको जो है यहाँ पर करेक्ट वर्ब की फॉर्म जो है वो पास्ट में ही दी जाती है, कभी कभी आपको प्रेजेंट में भी दे देते हैं। तो देखते हैं इसको, द ग्रेटेस्ट इंजरी ब्रिटिश रूल। तो देखो यहाँ एक चीज़ और होती है, ए का जो है ये रहा ऑप्शन, मतलब ब्रैकेट में ना आपको जो है आंसर दे देते हैं, लेकिन उसकी सही फॉर्म आपको फिल करनी होती है। जैसे कि डू की जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी फॉर्म आपको लगानी है, ये पढ़कर आपकी समझ में आता है। अगर हो सकता है कभी कभी जो है सही फॉर्म भी आपको दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। द ग्रेटेस्ट इंजरी ब्रिटिश रूल डैश हमारा डू टू इंडियंस, बी के सामने फिर से आपका ब्लैंक है बी, टू डिप्राइव देम ऑफ देयर इनहेरिटेड राइट टू बी देमसेल्व्स फुल स्टॉप दे, फिर आपका सी आपका यहाँ पर दिया गया है, उसके आगे आपका डैश है कम, कम की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कौन सी लगानी है वो आपको देखना है। कम टू कॉन्कर बट दे डी डी के आप सामने फिर से आपका ब्लैंक है रिमेन टू बी एब्जॉर्ब। तो इस तरीके से आपको एक जो है यहाँ पर मतलब छोटा सा पैराग्राफ दिया जाता है जिसको आपको करेक्ट वर्ब की फॉर्म भरनी होती है। आप देखते हैं गाइस के जो है हम इसके सामने क्या क्या फॉर्म भर सकते हैं। सेशन को लाइक कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी जो है टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो उसको अभी ज्वाइन कर लो। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ इंग्लिश के, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना। बाकी रिवीजन के लिए इस वीडियो को आप दोबारा भी देख लेना एक बार ताकि और अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो ये रहा गाइस द ग्रेटेस्ट इंजरी ब्रिटिश रूल हैड डन। तो पास्ट में ये आप लोगों का जो है हमारा मतलब वो है पास्ट परफेक्ट का यहाँ पर रूल लगा है इंडियंस वॉज टू डिप्राइव देम टू देयर। तो ये आप देख सकते हैं मैंने आपसे कहा है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस 90% आपके पास्ट सेंटेंसेस इसमें यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। अगर आपके सेंटेंस क्लियर नहीं है और आपके पास टाइम है तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को जो है जाकर के विजिट कर सकते हो, लर्न इंग्लिश चैनल है मेरा, तो उस पर मैंने आपके सारे ही सेंटेंस क्लियर करा दिए हैं। पहले मैंने आपको उसमें यू नो रूल्स समझाए हैं, फिर उसके एग्जांपल दिए हैं, कुछ प्रैक्टिस कराई हैं बहुत इजी तरीके से। तो बहुत इजी तरीके से पूरे सेंटेंस आप घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं। लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो देखिए ये इस तरीके से आपका एक पैसेज आता है जो कि आपका 4 मार्क्स का आता है, इसमें वर्ब की फॉर्म्स आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। तो आई होप आप इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, और इसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस के लिए एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर की थी, तो वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको वो मिल जाएगी। तो देख लेते हैं गाइस हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 11। बट आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं गाइस, आज का सेशन काफ़ी हमारा मतलब बड़ा हो जाएगा फिर, तो अभी हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है मतलब जो आपका ऑलमोस्ट हमारा हाफ पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो देखते हैं अभी। चलो एक मिनट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस वाला है आपका, हाँ जी। चलो एक क्वेश्चन अभी हम लोग और लेते हैं, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस जिसमें आपको कनेक्टर्स यूज करने हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत मतलब फ्री फंड के नंबर आप यहाँ से लेकर के जाते हो, ये जो कनेक्टर्स वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। करने का तरीका क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि देखो आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना पेपर में वो 21, तो 21 अगर हम लेंगे तो बहुत लंबी आपकी वीडियो हो जाएगी, फिर मैं भी थोड़ा सा थक गई हूँ अभी, काफ़ी सारी वीडियोस आपके लिए शूट करनी होती है। हम क्या करेंगे, जो आपके रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस बचेंगे उनको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, टुमारो वी विल डिस्कस सेम टाइम पर। अभी हम लास्ट क्वेश्चन अभी ले लेते हैं, और उससे पहले आपके कुछ डाउट्स हैं वो मैं ले लेती हूँ। तो इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स बिजनेस स्टडी का भी वीडियो बिल्कुल जल्द से जल्द बनाएंगे हम लोग, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। चलो सो गाइस देख लेते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन आता है, ये आपको 4 नंबर किस तरीके से फ्री फंड में दिला देता है। इसमें आता है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, आपको कुछ पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, सेंटेंस के जोड़े, ठीक है, सेंटेंस के जोड़े दिए जाएंगे और उसमें कुछ कनेक्टर्स दिए जाएंगे, उन कनेक्टर्स का इस्तेमाल करके आप उन जोड़ों को एक एक करके बना देना है। फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हो ए आपका ये एक सेंटेंस दिया गया है जिसके अंदर गाइस क्या है, जिसके अंदर आपका एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस में क्या है गाइस, आप मैं अभी आपको बता देती हूँ, बड़ा सा इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप ना स्मूथली इसको समझ पाओ, अच्छे तरीके से समझ पाओ। बाकी सेशन को लाइक कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और कोई दिक्कत परेशानी हो आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी हम लोग इसको। ए है हमारा द बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक,
है ना। तो ए के अंदर ये दो ऑप्शन है, पहला ये दूसरा ये दो मतलब ये पेयर्स हैं, इनको आपको इस कनेक्टर से बट से कनेक्ट करके जो है एक बना देना है। द बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक, कि वो जो बिल्डिंग थी वो भूकंप की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, और द होल फैमिली वॉज सेव्ड, लेकिन पूरा परिवार जो है सेव हो गया। देखो लेकिन खुद ही मुँह से निकल गया कि लेकिन, लेकिन का मतलब बट, बट से आपने इसको कनेक्ट किया। और जब आप इसके आंसर देखोगे तो आंसर कुछ इस तरीके से होगा, द अर्थ द बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक बट, मतलब यहाँ जो आपका फुल स्टॉप था इसको हटा करके आप लोग यहाँ पर बट कनेक्टर लगा दोगे, द होल फैमिली वॉज सेव, देन यू विल डू यू नो यू विल यूज फुल स्टॉप हियर। तो इस तरीके से अगेन आपका ये रहा, अब्राहम लिंकन लेफ्ट होम टू सी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और यहाँ से इस फुल स्टॉप को हटाकर इस कनेक्टर को लगा दोगे और आगे कहोगे ही वॉज जस्ट 22। अगेन आपका एक और है गाइस, द प्रेसिडेंट हैड पार्डन्ड अ सोल्जर नेम विलियम स्कॉट, और यहाँ से इस फुल स्टॉप को हटाकर ये वाला दैट कनेक्टर यूज कर दोगे और ये वाला आगे ऐड कर दोगे। इसी तरीके से हमारा डी है। तो इजी तरीके से, ये तो बहुत इजी होते हैं, समझ लो आपको ये चार नंबर तो बिल्कुल ऐसे मिल जाते हैं कि आंख बंद करके इस नंबर को आप इजीली गेट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, और पेपर की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, चाहे वो आपको आता हो या नहीं। बिल्कुल ये पर्सनल मेरी आपको सलाह है एक बड़ी बहन की तरह बिल्कुल, कि एक भी क्वेश्चन ना आपको छोड़ करके नहीं आना है। जैसे कि मैं अपने भाई बहनों को एडवाइस करती हूँ कि बेटा एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए इजी तरीके से उसको कर लेना, मतलब लिख के जरूर आना, शीट भर के जरूर आना। अब ऐसा भी नहीं है कि आता सब कुछ और बस उल्टा सीधे भर के आ जाओ, ये तो उनके लिए जो बिल्कुल कुछ जिनको पता ही नहीं है। कोशिश करो बाकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो पेपर आपका अच्छा ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए ये इसके आंसर्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहे आंसर्स, एंड आई होप कि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करोगे। अभी हम लोग आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मतलब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो कल इसी टाइम पर होगा। मैं कोशिश करूंगी, वैसे मैं पहले ही आपको नोटिफिकेशन दे दूंगी कि टाइमिंग क्या होगा, बट कोशिश यही रहेगी कि 8 बजे ही आपका टाइमिंग रखा जाए कल भी, और कल इस पूरे पेपर को हम लोग फिनिश कर लेंगे। सो आई होप आप जो है मुझे कल भी मिलेंगे सेम टाइम पर, और सेम इसी जो है फीलिंग के साथ, इसी जो है एक जुनून के साथ, जिसके आप देख सकते हैं आपके कॉमेंट्स में। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे बच्चों के साथ, ताकि दूसरे बच्चे जो आज नहीं आ पाए हैं वो कल भी जुड़ जाएं, कल वो बच्चे आ जाएं। और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारी मेहनत आपको समझ में आती है, पूरा पूरा दिन हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स जो है इसी तरीके से करते रहें। PDF मैं जो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी इस वीडियो के बाद, मतलब सेशन के बाद। और इसके अलावा लर्न इंग्लिश चैनल को विजिट कर लीजिएगा, लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अगर आप अप्रैल सेशन वाले बच्चे हैं, अक्टूबर वाले बच्चे हैं, डिटेल में वहाँ से आप अपनी स्टडी कर पाओगे। और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है, विच नेम इज PSC, पूरा नाम है PSC पाई स्टडी सर्कल। इस ऐप पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह PDF फॉर्मेट में सारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। साथ ही हमने वहाँ पर 10th और 12th NIS के काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं, और काफ़ी सारे कोर्सेज पर काम चल भी रहा है। और फिलहाल ये समझ लो कि ना के बराबर फीस में आपके हम कोर्स कंप्लीट वहाँ पर करा रहे हैं। कुछ डेमो वीडियोज़ हैं, डेमो देखकर इफ यू आर सेटिस्फाइड सो यू कैन ज्वाइन। तो डेमो वीडियो देखिए, सेटिस्फाइड रहते हैं तो कोर्स में एनरोल कर लो, फटाफट से एनरोल कर लो। बहुत डीपली और बहुत अच्छे तरीके से आपको कोर्स करवाया जा रहा है ऐप में। ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। सभी फॉर्मेट में इंग्लिश के आपके कंप्लीट करा चुकी हूँ। चैनल पर जाओ, चेक करो, इतनी सारी वीडियोस हैं आपके लिए, हेल्पफुल वीडियोस हैं, काफ़ी सारे बच्चों को मिल नहीं पाती, तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेकआउट जरूर करें, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड जाने से पहले आपके कॉमेंट्स देख लेती हूँ मैं। चलिए तो मैम अप्रैल, ये शीला कह रही हैं कि मैम अप्रैल स्टूडेंट एग्जाम ऑनलाइन हो गया ऑफलाइन? ऑफलाइन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऑनलाइन के चक्कर में मत आना फिलहाल, ठीक है? चलो गाइज, आई होप आप सभी अपना ध्यान रखेंगे और कल मुझे इसी तरीके से मिलेंगे, अच्छी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे, और जो आपकी ऑप्शन ए और बी की जो वीडियोज़ हैं वो बिल्कुल आपको मिल जाएंगी इसके बाद ही। चलिए गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडिंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। एंड संजना कह रही हैं थैंक यू सो मच मैम इतने हेल्प के लिए, यू मोस्ट वेलकम। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके और कमेंट्स में पढ़ लेती हूँ। चलिए जो बच्चे सॉरी बोले कोई बात नहीं, आप जो है फिर से सेशन को देख लीजिएगा, तो आपके कमेंट्स में देख रही हूँ अभी भी। चलो फिनिश करते हैं, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अभी हम लोग। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।